हेलो एवरीवन माय नेम इज जितेंद्र कुमार फैकल्टी ऑफ़ सिविल इंजीनियरिंग एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज पार्ट में सो दिस इज़ अ सेकंड लेक्चर ऑफ दिस सीरीज इंजीनियरिंग जियोलॉजी टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट स्कोप ऑफ इंजीनियरिंग जियोलॉजी के इंजीनियरिंग जियोलॉजी जो हमारी है उसका कहा क्या क्या स्कोप है वो कहाँ कहाँ यूज़ की जा सकती है कौन से डिज़ाइन में प्लानिंग हो चाहे कंस्ट्रक्शन हो हमारा डिज़ाइनिंग हो उस फेज में तो चलिए स्कोप की ओर देखते हैं फर्स्ट हमारा स्कोप है कि इंजीनियरिंग जियोलॉजी डिफाइंड एज ए ब्रांच ऑफ अप्लाइड साइंस कि किसकी ब्रांच है ये अप्लाइड साइंस की विच डील्स विद एप्लीकेशन ऑफ जियोलॉजी फॉर सेफ स्टेबल एंड इकोनॉमिक डिज़ाइन ठीक है कौन कौन सा डिज़ाइन सेफ स्टेबल एंड इकोनॉमिक डिज़ाइन अब इस चीज़ का मतलब क्या है सेफ और स्टेबल से कि मान लीजिए हमारे पास टाइप ऑफ सॉइल ऐसी है कि बेंटोनाइट सॉइल ही ले लिए उन्होंने बेंटोनाइट सॉइल में एक स्पेशल टाइप का मिनरल प्रेजेंट होता है जिसे बोलते हैं माउंट मोरिलोनाइट मॉन्ट मोरिलोनाइट ठीक है अब इस मॉन्ट मोरिलोनाइट मिनरल की स्पेशलिटी क्या होती है ये होता है हाईली श्रिंक एंड स्वेल करेक्टरिस्टिक शो करता है हाईली श्रिंकेज एंड स्वेलिंग करेक्टरिस्टिक तो जियोलॉजी में हमें पता लग गया कि वहां पर सॉइल टाइप बेंटोनाइट है अब बेंटोनाइट सॉइल टाइप है हमें पता है कि डायरेक्टली पता लग जाएगा वहां श्रिंकेज और स्वेलिंग हो रही है तो पर्टिकुलर टाइप में हमारे हमारे को वहाँ पर किस टाइप का कंस्ट्रक्शन करें कि वो सेफ़ कंस्ट्रक्शन हो तो इससे हमारे टेस्टिंग वगैरह के काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर कॉस्ट इफेक्टिव स्ट्रक्चर बन जाती है जिससे स्ट्रक्चर और साथ में कैसी रहेगी इकोनॉमिक डिज़ाइन बनेगा कि बार बार टेस्ट नहीं करने पड़ रहे कि अरे इस टाइप की सोइल है हमें पता है कि इसमें ये प्रॉपर्टीज़ होती हैं एक दो टेस्ट किए एस टेस्ट किया उसके ऊपर बीरिंग कैपेसिटी का टेस्ट किया प्लेट लोड टेस्ट किया स्ट्रेंथ आ गई वहाँ पर स्ट्रेंथ के बाद हमने क्या कर दिया वहाँ पर किस तरह का डिज़ाइन करना है कितनी वेयरिंग कैपेसिटी आने वाली है उसके हिसाब से वहाँ पर एक स्टेबल और सेफ डिज़ाइन कर देंगे ठीक है तो ये हमें नॉलेज कहाँ पर मिल जाता है हमारी जियोलॉजी के हेल्प से सेकेंड है एप्लीकेशन ऑफ जियोलॉजिकल नॉलेज इन प्लानिंग डिजाइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन इज नॉट ओनली डिजायरेबल बट ऑल्सो एब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर सेम एग्जांपल जैसे यहाँ पर हमें पता था बेंटोनाइट सॉइल है तो हम यहाँ पर कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते कि वहाँ पर सॉइल है वहाँ पर जाते ही हमने सुपर स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट कर दी हमारे पास कोई सब स्ट्रक्चर होगी अगर कंस्ट्रक्ट करनी सब स्ट्रक्चर का मतलब यहाँ पर फाउंडेशन से है जो ग्राउंड लेवल के नीचे की स्ट्रक्चर रहती है तो सब स्ट्रक्चर के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा पहले सॉइल जितनी भी नीचे की होगी उसका पूरा कंसोलिडेशन करना पड़ेगा कि टोटल ओवरऑल सेटलमेंट उसमें कितना आ सकता है तो हमें ये कौन बताता है सॉइल का टाइप और सॉइल के टाइप और उसके ओरिजिन और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमें कौन बताता है हमारी इंजीनियरिंग जियोलॉजी अब नेक्स्ट वन है बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ अ कोर्स इन इंजीनियरिंग जियोलॉजी आर ऑफ टू फोल्ड ठीक है यहाँ पर हमें इसके दो फायदे देखने को मिल रहे हैं ये क्या करेगा पहला तो इट इनेबल्स अ सिविल इंजीनियर टू अंडरस्टैंड इंजीनियरिंग इम्प्लीकेशन ऑफ सर्टेन कंडीशन रिलेटेड टू एग्री ऑफ़ कंस्ट्रक्शन विच आर एसेंशियली जियोलॉजिकल इन नेचर ठीक है अगेन वहाँ पर वही सॉइल के टाइप से जैसे कि मान लीजिए आपको एक डैम कंस्ट्रक्ट करना है ठीक है डैम के नीचे आपको डैम का साइट सिलेक्शन जो होता है साइट सिलेक्शन फॉर डैम अब डैम कोई भी आपको बनाना हो ऐसे नहीं कि हमने बोल दिया कि इस सिटी के अंदर हमें डैम बनाना तो वहाँ कंस्ट्रक्ट हो जाएगा उसके लिए हमें एक प्रॉपर साइट का सिलेक्शन करना पड़ता है साइट का सिलेक्शन है एक तो वैली एरिया होना चाहिए ठीक है वैली एरिया होगा तो मेरे रिजर्वायर का जो मुझे यहाँ पर कंस्ट्रक्ट करना है डैम कंस्ट्रक्ट करना है उसके लिए मेरे को कॉस्ट इफेक्टिव स्ट्रक्चर बनेगी ठीक है एक ऑटोमेटिक मुझे यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ एक बैक साइड में यहाँ पर एक रिजर्वायर मिल जाएगा इसका तो ये सब स्टडीज़ हमारे जियोलॉजिकल के नेचर में जो एक सिविल इंजीनियर को समझने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं ये हमें जियोलॉजी के हेल्प से मिलती हैं सेकेंड है इट इनेबल्स अ जियोलॉजिस्ट टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ जियोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन दैट इज एसेंशियल फॉर सेफ डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ए सिविल इंजीनियर प्रोजेक्ट ठीक है अगेन वही है कि किस टाइप की सॉइल है वहां पर अगर जैसे यहां पर अगेन डैम ही कंस्ट्रक्ट करना है अब डैम कैसा बनाना है हमें वहाँ पे अर्दन डैम बनाना है ठीक है अर्दन डैम यानी कि मिट्टी वाला डैम है या फिर हमें बनाना है ग्रेविटी डैम ग्रेविटी डैम का मतलब होता है यहाँ पर हमारा सीमेंट कंक्रीट का डैम बनता है जो सीसी का डैम बनता है सीमेंट कंक्रीट के डैम को हम बोलते हैं ग्रेविटी डैम तो इस टाइप के डैम बनाने तो नीचे की स्ट्रक्चर कैसी होनी चाहिए सब सरफेस हमारा इन्वेस्टिगेशन पूरा करना पड़ेगा कि कितना उसमें सीपेज होता है क्योंकि सीपेज के कारण ही डिफरेंट हमारे पास फेलियर आ जाते हैं जैसे एक फेलियर का नाम होता है पाइपिंग फेलियर कि डैम की साइड के नीचे यहाँ से वाटर निकल रहा है ठीक है अगर उसका हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट एक टर्म होती है आईसी क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट उससे ज़्यादा हो जाए तो यहाँ से सॉइल क्या हो जाती है सॉइल के पार्टिकल छोटे छोटे इधर से बाहर निकलने लग जाते हैं सीपेज के साथ में यानी कि पानी जो वहाँ से पोर प्रेशर के साथ में पानी बाहर निकल रहा है उसके साथ में सॉइल पार्टिकल बाहर निकलते तो एक पाइप सी बन जाती है और डैम सब सरफेस से फेल हो जाता है तो इस टाइप का फेलियर होता है पाइपिंग फेलियर तो इन सब की स्टडी भी किसके लिए होती है एक सेफ़ डिज़ाइन के लिए ज़रूरी है कि नीचे सॉइल किस टाइप की है या फिर नीचे हमारा सब सरफेस कैसा है तो उसके लिए सब सरफेस एक्सप्लोरेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रह जाता है नेक्स्ट वन इज़ द स्कोप ऑफ जियोलॉजी कैन बी स्टडीज इज़ द बेस्ट स्टडी विद रेफरेंस टू मेजर एक्टिविटीज़ ऑफ प्रोफेशन ऑफ ए सिविल इंजीनियर विच आर अब सिविल इंजीनियर के लिए कहाँ कहाँ ये जियोलॉजी हमारी यूज़ हो सकती है कंस्ट्रक्शन में ठीक है वाटर रिसोर्स डेवलपमेंट में अब वाटर रिसोर्स डेवलपमेंट में क्या क्या आ सकता है कोई भी आपको आर्टिफिशियल लेक कंस्ट्रक्ट करनी है ठीक है या फिर कैनाल कंस्ट्रक्ट करनी है कैनाल जिसको हम ओपन चैनल भी बोल देते हैं ठीक है कैनाल का के अदर नाम क्या हो जाता है ओपन चैनल फ्लो ये किसके टाइप हो गए आर्टिफिशियल इरीगेशन के आर्टिफिशियल इरिगेशन के ये सारे आर्टिफिशियल ठीक है आर्टिफिशियल लेक कैनाल होगी मैन मेड लेक्स हैं जैसे कि हमारे उदयपुर में काफ़ी बनी हुई हैं उसके बाद टाउन प्लानिंग एंड रीजनल प्लानिंग जैसे कोई भी टाउन की प्लानिंग करनी है कहाँ कहाँ उसकी पाइपलाइंस जाएंगी कहाँ रोड कंस्ट्रक्ट होगी कौन सा उसका कैचमेंट कमांड एरिया एक एरिया होता है कैचमेंट कमांड एरिया जिसके अंदर पता लगता है कि पानी कौन कौन से एरिया से आएगा अगर वहाँ पर होती है बारिश और वो पानी नीचे सब सॉइल में सीप हो रहा है या नहीं हो रहा कहाँ उसका ड्रेन आउट होना है तो सॉइल के टाइप के हिसाब से नीचे सर, सर सब सरफेस के टाइप के हिसाब से जियोलॉजी में हमें पता लग जाएगा किस तरह के मिनरल्स प्रेजेंट हैं वहाँ पर अगर वहाँ पर बारिश होती है जैसे आपको पता होगा कुछ सॉइल में क्या रहता है कि मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं तो वहाँ जब बारिश होती है तो वहाँ का आसपास का पानी क्या हो जाता है खारा पानी हो जाता है ठीक है तो इस टाइप के सॉइल की मिनरल मिनोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ कैसी हैं तो ये सब स्टडी हम जियोलॉजी में पढ़ते हैं जियोलॉजी प्रोवाइड्स नेसेसरी इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंस्ट्रक्शन मटीरियल एट द साइट यूज इन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग डैम टनल टैंक रिजर्वायर हाईवेज ब्रिजेस एट्सेट्रा ठीक है अब जियोलॉजी तो क्या बता देती है हमें कि मिनरल की कंपोजिशन कैसी है कौन कौन सी प्रॉपर्टीज आने वाली हो लेकिन एज एन सिविल इंजीनियर मैं उसका कैसे यूज़ करूँ तो फॉर एग्जाम्पल जैसे राजस्थान में अलग अलग एरिया में कंस्ट्रक्शन मटीरियल अलग अलग चलता है ठीक है जैसे नॉर्थर्न के राजस्थान में है वहाँ पर चलती हैं ब्रिक्स गंगानगर हनुमानगढ़ साइड क्या चलती हैं ब्रिक्स चलती हैं अब ये ब्रिक क्या होते हैं क्ले और सैंड की एक मिक्स ब्रिक्स बनाई जाती हैं लाइम एलुमिना और सब उसमें मिक्स रहता है लाइम एलुमिना सिलिका सेट्रा तो ब्रिक्स जब बनाई जा रही हैं वहाँ यूज़ हो रही हैं ब्रिक्स क्योंकि वहाँ मटेरियल हमें क्ले प्रजेंट हो जाती है ठीक है सैंड प्रजेंट हो जाएगी यानी एलुमिना तो वगैरह रॉ मटेरियल प्रजेंट हो जाएगा रॉ मटेरियल की प्रॉपर्टी क्या होती हैं कैसे होती हैं वो बताती है जियोलॉजी तो वहां ब्रिक्स यूज हुई लेकिन आपने देखा होगा इस साइड के राजस्थान में मारवाड साइड क्या चलता है हमारे यहां पर यूज करते हैं हम रॉक्स, ठीक है मेजनरी में हम क्या यूज करते हैं रॉक्स रॉक्स कौन सी यूज करते हैं मेनली सैंडस्टोन अब यहां कंस्ट्रक्शन मटेरियल है सैंडस्टोन वहां चलता है ब्रिक्स तो इतना चेंज क्यों आया है क्योंकि देखिए यहाँ सैंडस्टोन हमें है लोकली अवेलेबल ठीक है लोकली अवेलेबल है तो इसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम पड़ता है तो ओवरऑल स्ट्रक्चर बनेगी कॉस्ट इफेक्टिव एक तो कंस्ट्रक्शन मटेरियल हमें इजीली अवेलेबल होगा रीजन क्या होगा इजी अवेलेबिलिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल और सेकंड क्या हो जाएगा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बचेगा ठीक है इसी तरह से वहाँ पर गंगानगर हनुमानगढ़ साइड क्या हो जाता है वहाँ पर भट्टे वगैरह ज़्यादा हैं ईंट के जो भट्टे रहते हैं किन् बोलते हैं उनको ठीक है क्या बोलते हैं उनको किल्न तो वहाँ पर ये सब ज़्यादा रहते हैं तो वहाँ लोकली अवेलेबल मटेरियल जो है वो कंस्ट्रक्शन मटेरियल से हम ब्रिक्स वगैरह को मैन्युफैक्चर कर लेते हैं तो उधर वो सस्ती पड़ती हैं वो कॉस्ट इफेक्टिव पड़ती हैं और यहाँ पर हमें कौन इफेक्टिव पड़ता है सैंडस्टोन की मेजनरी रॉक्स वगैरह हमें इंपॉर्टेंट होती है अब रॉक्स में भी कौन कौन सी रॉक का टाइप है जैसे फ्लोरिंग जब बिछानी है तब हम यूज़ करते हैं लाइमस्टोन ठीक है जब भी फ्लोरिंग होगी लाइमस्टोन स्टोन क्योंकि लाइमस्टोन की फिनिशिंग अच्छी आती है जब आपको ऊपर बीम्स वगैरह डालनी होती है उसकी जगह पहले यूज होता था सैंडस्टो मेजनरी में अभी भी कौन सा यूज़ किया जाता है सैंड स्टोन अभी ये फ्रेम स्ट्रक्चर आई है वहाँ पर ही ट्रिपल ए ब्लॉक्स आई ये ऑटोक्लेव एरेटेड ब्लॉक्स होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं डबल ए ब्लॉक्स आपने नाम सुना होगा बड़े बड़े ब्लॉक्स होते हैं लेकिन वजन में तो बहुत हल्के होते हैं ठीक है इन्हें कौन से बोलते हैं डबल ए ब्लॉक ऑटोक्लेव एरेटेड ब्लॉक्स तो इस तरह से लोकली अवेलेबल मटेरियल और उनकी प्रॉपर्टीज़ हमारे डिफाइन करती हैं कि हमारा सिविल इंजीनियर का कंस्ट्रक्शन जो होने वाला है बिल्डिंग्स हैं डैम्स हैं वो किस तरह के बनेंगे उनमें मटेरियल कौन सा लगेगा ठीक है अगेन वही यहाँ पर आ गया कि जियोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ज़रूरी है हमारे लिए किसके लिए सेफ डिज़ाइन के लिए डिज़ाइन फेज़ में उसके प्लानिंग फेज़ में कंस्ट्रक्शन फ़ेज़ में कि कौन कौन सी हमें वहाँ पर प्रॉब्लम्स आ सकती हैं ठीक है जैसे सैंड है तो सैंड का हमें क्या करना पड़ेगा वहाँ पर एक अलग डिज़ाइन होगा ठीक है सर सरफेस अगर सैंड है तो उसके लिए अलग डिज़ाइन करना पड़ेगा अगर उसकी बीरिंग कैपेसिटी ठीक है अगर कम है तो हमें डिपेंड करेगी फाउंडेशन के टाइप के ऊपर टाइप ऑफ फाउंडेशन कौन सा देना है अगर वहां पे वाटर एब्जॉर्बिंग मटेरियल है कि कितना वाटर को एब्जॉर्ब कर पा रहा है तो वाटर टेबल वगैरह है तो उसका भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा तो ये सब स्टडीज हम जियोलॉजिकल के अंदर जियोलॉजी के अंदर पढ़ते हुए अपने डिजाइन स्टेज में प्लानिंग स्टेज में और कंस्ट्रक्शन फेज में उसको यूज करते हैं नेक्स्ट है जियोलॉजी इज़ यूजफुल टू नो मेथड ऑफ माइनिंग ऑफ रॉक एंड मिनरल डिपॉजिट्स ठीक है अब जियोलॉजी का यूज देखिए कहां है जियोलॉजी से हमें पता लगा जब जियोलॉजी के अंदर हम सब uh, सॉइल का एक्सप्लोरेशन कर रहे होते हैं तो डिफरेंट मेथड होते हैं हमारे पास ठीक है ये मेथड हम डिटेल में भी पढ़ने वाले हैं हल्का फुल्का इनके बारे में बता रहा हूँ एक होता है सीस्मिक एक्सप्लोरेशन ठीक है ये सब सरफेस एक्सप्लोरेशन का एक पार्ट है सीस्मिक एक्सप्लोरेशन इसमें क्या रहता है आपको वेव्स डाली जाती हैं दो तरह की पी वेव एन एस वेव ठीक है जमीन के अंदर एक तरह की वेव डाली जाती है अब वेव्स का क्या रहता है कि कोई भी वेव अगर किसी सॉलिड ठीक है सॉलिड मटेरियल के अंदर जाती है या आइसोट्रोपिक होमोजीनियस एक सॉलिड मटेरियल है उसके अंदर से जाएगी तो उसकी स्पीड क्या होती है बढ़ती है ठीक है लेकिन अगर वहां पर कोई क्रैक वगैरह प्रेजेंट है कि मान लीजिए यहाँ क्रैक प्रेजेंट है तो क्या होगा इसके एनर्जी में लॉस होगा एनर्जी में लॉस होगा उसको एक जगह से दूसरी जगह प्रोपोगेट होने में लगेगा टाइम तो इनकी स्टडी करते हुए हम चेक करते हैं कि जो भी हम रॉक का एक्सकेवेशन करने वाले मिनरल को निकालने वाले हैं डिपॉजिट से वहाँ से वहाँ पर कितने फ्रैक्चर्स हैं ठीक है कोई भी टनल एक्सकेवेट करनी है आपको तो वहाँ पर फ्रैक्चर है तो आपको क्या करना पड़ेगा वहाँ पर ध्यान से चलना पड़ेगा अगर वहाँ पर जॉइंट्स और फ्रैक्चर्स कम है जॉइंटेड रॉक नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं उसमें ईजीली वहाँ पर एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं वहाँ पर आपको एक्स्ट्रा सेफ्टी के मेजर्स लेने की ज़रूरत नहीं है ठीक है लेकिन अगर पूरी रॉक इस तरह से जॉइंटेड है तो आपको क्या करने पड़ेगा सेफ्टी का पूरा पूरा ध्यान रखना पड़ेगा तो जियोलॉजी के अंदर में सीस्मिक एक्सप्लोरेशन और एक और मेथड होता है इलेक्ट्रिकल एक्सप्लोरेशन इन सब की हेल्प से हमें क्या पता लगता है कि रॉक हमारी जॉइंटेड है या नहीं है तो माइनिंग के अंदर हमारे को काफ़ी उधर हेल्प मिल जाती है ठीक है स्टडी अबाउट वेदरिंग ऑफ रॉक कि रॉक की वेदरिंग क्या होती है तो सिंपली अगर मैं वेदरिंग आपको बताऊं तो किसी बड़ी रॉक का ठीक है किसी बड़ी रॉक का छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर ब्रेकडाउन होना ठीक है हिंदी में बता रहा हूं भी किसी बड़ी रॉक का छोटे छोटे पार्टिकल के अंदर डिस होना चाहे वो फिजिकल या मैकेनिकल फोर्सेज से हो ठीक है फिजिकल या मैकेनिकल फोर्सेज यानी कि विंड बह रही है ठीक है या फिर क्या हो रहा है वहाँ पर हमारे पास वाटर बह रहा है ठीक है विंड के बहने से विंड के फ्लो होने से वाटर के फ्लो होने से यहाँ पर क्या हो जाएगा छोटे पार्टिकल में ब्रेक का ब्रेकडाउन होना इनका डिसइंटीग्रेट होना ठीक है या फिर केमिकल एक्शन से अब केमिकल एक्शन में क्या क्या आ सकता है हमारे पास ऑक्सीडेशन रिडक्शन कार्बोनेशन ठीक है तो इन सबसे छोटे छोटे पार्टिकल में डिसइंटीग्रेट होना या बायोलॉजिकल एक्टिविटीज में से एल्गी वगैरह हो गए उन्होंने डिसइंटीग्रेट कर दिया या फिर ह्यूमन ठीक है ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से किसी बड़ी रोग का छोटे छोटे पार्टिकल में डिसइंटीग्रेट होना क्या कहलाता है वेदरिंग ऑफ रोग ठीक है और अगर मैं इसको डिटेल में पढ़ूँ प्रॉपर डेफिनेशन में द प्रोसेस बाय विच रोक कर ब्रोकन डाउन ठीक है वो प्रोसेस जिसे रोक है छोटे छोटे पार्टिकल में डाउन हो रही है एंड डीकम्पोज बाय एक्शन ऑफ एक्सटर्नल एजेंसीज अब एक्सटर्नल एजेंसी क्या हो सकती है रेन ठीक है टेम्परेचर चेंजेस रेन या टेम्परेचर चेंजेस एटसेट्रा अब इसमें एटसेट्रा में आपको क्या क्या बता दिया मैंने विंड भी हो सकती है वाटर भी हो सकता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन कार्बोनेशन या एसिडिक या बेसिक एक्शन से एल्कोलाइन एक्शन से ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से एल्गल एक्टिविटी की वजह से इन सब के कारण जो छोटे पार्टिकल में डिसइंटीग्रेट होना है क्या कहलाता है हमारा वेदरिंग ऑफ रॉक अब वेदरिंग में देखिए क्या क्या इन्वॉल्व होता है कि इसमें होता है डिसइंटीग्रेशन ठीक है और डीक डिकम्पोजिशन डिसइंटीग्रेशन में तो क्या आ जाएगा फिजिकल या मैकेनिकल पार्ट से कि हवा बह रही है सैंड ड्यून्स है वहाँ पर उसने पार्टिकल्स को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह डिपोजिट कर दिया ठीक है या फिर वाटर बह रहा है जैसे पहाड़ों के ऊपर से वाटर फ्लो हो रहा है वाटर जब भी फ्लो होता है तो उसके एबरेजन से ठीक है वाटर के एबरेजन से फ्रिक्शन एक्शन से क्या होगा ये छोटे छोड़ छोटे पार्टिकल डिस इंटीग्रेट हो जाएंगे और एक जगह से दूसरी जगह पर जाकर डिपोज़िट हो जाएंगे डिकम्पोजिशन में क्या हो जाएगा ठीक है आप डीकम्पोजिशन में देखिए एल्गल एक्शन के कारण या फिर एल्गल एक्शन या फिर वहां पर क्या होगा ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो सकता है कोई भी एसिडिक या बेसिक एक्शन से ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो जाएगा पार्टिकल क्या हो जाएंगे डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे जैसे ग्रेनाइट वगैरह आप ले लीजिए कोई भी इग्नियस रॉक होती है ठीक है क्ले हमें कहाँ से मिलती है इग्नियस रॉक के केमिकल डी से क्ले का नाम सुना होगा ना आपने क्ले कहाँ से मिलती है हमें इग्नियस रॉक के केमिकल डी से कि उसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन करा दिया कार्बोनेशन करा दिया वहाँ से छोटे छोड़ छोटे पार्टिकल्स में मिल आ गई हमें बहुत फाइन पार्टिकल के अंदर एक नया मटेरियल मिल आ गए जिसे हमने बोल दिया सॉइल उस सॉइल का नाम क्या हो गया क्ले क्या है वो केमिकल डीकम्पोजिशन से मिली है किसके इग्नियस रॉक से ठीक है नेक्स्ट है इफ द मटीरियल आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द साइट विद विच हेल्प ऑफ नेचुरल एजेंसी सच एज विंड और रनिंग वाटर द प्रोसेस इज कोल्ड एज इरोजन ठीक है अब हवा बहने से या पानी बहने से हवा बहने का तो क्या बता दिया कि इरोजन हो रहा है ठीक है हवा बहने से सैंडयून के ऊपर की मिट्टी उठ के एक जगह से दूसरी जगह पर जा रही है तो उसको तो क्या बोल दिया इरोजन इसी तरह से यहाँ डिसइंटीग्रेशन हो रहा है पानी की वजह से ठीक है छोटे छोटे पार्टिकल में डिसइंटीग्रेट होगी तो वो भी क्या कहला गया इरोज़न अब इसके साथ ही देखिए दो टाइप बताता हूँ एक होता है उसमें से जो सॉइल बनेगी हमारे पास एक तो बनेगी रेजिडुअल वेदरिंग के बाद में बनेगी एक तो बनेगी रेजिडुअल दूसरी होगी ट्रांसपोर्टेड पार्टिकल डिस इंटीग्रेट होकर अगर वहीं पर पड़े रहे ठीक है तो वो तो होंगे रेजिडुअल और अगर पार्टिकल डिस इंटीग्रेट होकर एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच गए तो उनका हो गया ट्रांसपोर्टेशन तो मतलब वो कौन से हो गए ट्रांसपोर्टेड ठीक है अब अगर मैं वेदरिंग को ब्रॉडली अगर करेक्टराइज़ करूं तो कौन कौन से होंगे फिजिकल और मैकेनिकल कुछ जगह पर आपको फिज़िकल वेदरिंग लिखा मिलेगा कुछ जगह मैकेनिकल मिलेगा फिजिकल में कौन कौन से आ जाएंगे विंड के वाटर के ग्लेशियर ठीक है फिजिकल में बताऊं आपको विंड हो गया वाटर हो गया ग्लेशियर हो गया ठीक है या फिर ग्रेविटेशनल फोर्सेस की हेल्प से उसको एक कोलोवियल सॉइल बोल देते हैं वो भी डिसइंटीग्रेशन है ग्रेविटेशनल फोर्सेस से ठीक है केमिकल में ऑक्सीडेशन रिडक्शन कार्बोनेशन हाइड्रोलाइसिस ठीक है एसिडिक बेसिक एल्कलाइन ये सब आ जाएगा बायोलॉजिकल में एल्गल एक्शन आ जाएगा ह्यूमन एक्टिविटी आप लिख सकते हो मैकेनिकल वेदरिंग को अगर मैं डिटेल में पढ़ूँ तो इसमें क्या हो जाएंगे फिजिकल फोर्सेज आएंगे इसलिए इसका दूसरा नाम क्या हो जाता है फिजिकल वेदरिंग ठीक है इन मैकेनिकल वेदरिंग द प्रोसेस इन्वॉल्व ओनली फ्रैगमेंटेशन ठीक है फ्रैगमेंटेशन और ब्रेक डाउन इन स्मॉलर फ्रेगमेंट और पीसेस इस चीज से इसका क्या मीनिंग है जब मैं बना रहा था केमिकल एक्शन के हेल्प से ठीक है जब मैं बना रहा था केमिकल एक्शन की हेल्प से तो मान लीजिए कि वहां पर क्या हो रहा है कार्बोनेशन अब कार्बोनेशन हो रहा है तो क्या हो जाएंगी केमिकल एक्शन है तो उसकी बकायदा क्या हो जाएंगी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी ठीक है क्या होगा वहां पर उसकी प्रॉपर्टीज विल चेंज तो जो न्यू मटेरियल बन के आया जो छोटे छोटे पार्टिकल टूट के आए हैं जिस रोक से उसकी प्रॉपर्टीज जिस रोक से निकली है उससे बदल जाएंगी ठीक है अब ये छोटे फ्रैगमेंट्स आए हैं छोटे फ्रैगमेंट छोटे छोटे पार्टिकल ब्रेकडाउन पार्टिकल जिस मटेरियल से आए हैं उस रोक को बोलते हैं पेरेंट रोक ठीक है उस रोग को हम क्या बोल देते हैं पेरेंट रोग अब अगर जो न्यू मटेरियल बन के आया है छोटे फ्रेगमेंट्स बन के आए हैं उनकी प्रॉपर्टी पेरेंट रोग से चेंज होती है ठीक है तब तो आ जाती है केमिकल वेदरिंग ओके और मैकेनिकल और फिजिकल वेदरिंग में क्या होता है कि पार्टिकल खाली ब्रेक डाउन हो रहे हैं कि अगर सैंडस्टोन है सो so, यहाँ पर क्या हो जाएगा मैकेनिकल वेदरिंग में पार्टिकल्स हैं छोटे छोटे पार्टिकल में रोक जो बड़ी पैरेंट रोक है छोटे पार्टिकल में डिसइंटीग्रेट हुई है लेकिन उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो अभी चेंज नहीं हुई ठीक है केमिकल प्रॉपर्टीज़ तो अभी भी वही हैं तो मैकेनिकल वेदरिंग में क्या रहता है कि खाली फ्रेगमेंट के अंदर एक छोटे पीसेस के अंदर वो टूट रहा है प्रॉपर्टीज चेंज नहीं हो रही खाली फ्रेगमेंटेशन हो रहा है ठीक है उनका नेचर चेंज नहीं होता अब किस किस की हेल्प से हो सकता है ये हो जाएगा वाटरफॉल की हेल्प से लैंड स्लाइड्स के अंदर ठीक है या फिर ग्रेविटी के अंदर ग्रेविटी में जैसे मैंने आपको बता दी कौन सी आती है अगर सॉइल बन के आ रही के से है ग्रेविटी के कारण उससे बोलते हैं कॉलोवियल सॉइल कौन सी बोलते हैं कॉलोवियल ये आप सॉइल मैकेनिक्स के अंदर डिटेल में पढ़ने वाले हो फिर भी एक थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको यहाँ दे रहा हूँ मैं ठीक है मैकेनिकल और फिजिकल वेदरिंग इन्वॉल्व द ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ठीक है ब्रेकडाउन और रोग कैसे होता है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट की हेल्प से अब ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट किसका हो सकता है चाहे हीट का हो हीट का कैसे जब भी हीट होती है कि मान लीजिए दो रोग थी ऐसे उनके बीच में है कैविटी कैविटी में भर गया पानी अब पानी से फ्रीज एंड थो हो गया ठीक है यानी जमना और पिघलना होगा तो उसका एक्सपेंशन या पानी जब जम जाता है थोड़ा एक्सपेंड होता है फैल जाता है तो एक्सपेंशन और वापस श्रिंकेज के कारण ये क्या हो गया इसमें फैटिक स्ट्रेसेस जनरेट होंगे तो ये पार्टिकल्स में ब्रेकडाउन हो जाएगा तो हीट के कारण आ गया वाटर आइस और अदर कोई एक्स्ट्रा प्रेशर के कारण आइस यानी कि ग्लेशियर के जो कोई भी ऐसे पहाड़ है उसके ऊपर ग्लेशियर है ग्लेशियर के एब्रेशन के कारण ग्लेशियर जब नीचे फिसल रहा है तो उस टाइप की बनने वाली सॉइल है ग्लेशियल सॉइल ठीक है ग्लेशियल के एक्शन के कारण ग्लेशियल तो उस टाइप के डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पार्टिकल के अंदर डिसइंटीग्रेट होती है और नए टाइप की सॉइल वहाँ पर बन के आती है नेक्स्ट वन इज केमिकल वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग में हमारे पास क्या क्या आ जाएगा ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाइड्रोलाइसिस हाइड्रेशन एट्सेट्रा और इसमें क्या होता है कि कोई भी पेरेंट रोक है उसकी प्रॉपर्टीज़ और न्यू मटेरियल बन के आए उसकी प्रॉपर्टीज डिफर करेंगी ठीक है उन दोनों की प्रॉपर्टीज क्या करेंगी डिफर करेंगी मतलब अलग अलग होंगी ठीक है जैसे कि यहाँ लिखा है केमिकल वेदरिंग इन्वॉल्व केमिकल रिएक्शन रिजल्टिंग इन अल्ट्रेशन ऑफ रोग ठीक है उसका क्या हो गया अल्टर ही होगी प्रॉपर्टीज़ पूरी बदल चुकी हैं लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ न्यू अल्ट्रेशन प्रोडक्ट ठीक है जैसे इग्नियस रोग का अगर हमने क्या कर दिया केमिकल डिसइंटीग्रेशन कर दिया केमिकल डिकम्पोजिशन कर दिया तो वहाँ पर हमें क्ले बन के मिल आती है अब क्ले की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं उस पेरेंट रोग से एकदम डिफरेंट हो जाती हैं ठीक है छोटे छोटे पार्टिकल में टूटा है पेरेंट रोग से एकदम डिफरेंट हो जाएंगी तो जितनी भी केमिकल वेदरिंग हुई उसमें बताता है सेपरेट प्रॉपर्टीज अल्ट्रेट प्रॉपर्टीज़ हैं हमारी इसी तरह से बायोलॉजिकल की बात करूं, तो इसमें कौन कौन से आ जाएंगे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की हेल्प से अगर पार्टिकल्स का ब्रेक डाउन हो रहा है ठीक है तो उसे कौन सी बोल देंगे हम बायोलॉजिकल वेदरिंग। अब बायोलॉजिकल वेदरिंग में मैंस को भी इंक्लूड किया जाएगा ठीक है जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग डैम्स या ब्रिजेस का करता है डैम हमने बनाया तो उसके कारण वहाँ की उस एरिया की प्रॉपर्टीज कैसे वेरी करने वाली है तो बायोलॉजिकल वेदरिंग होगी अब अगर मैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करूँ तो इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं ऑर्गेनिक एसिड निकालते हैं जिसमें ऑक्सेलिक फिनोलिक फॉलिक एसिटिक ह्यूमिक एटसेट्रा ये सब एसिड हैं जो कि क्या करते हैं उस रोग का डिकम्पोजिशन करते हैं अब देखिए यहाँ पर एसिडिक डिकम्पोजिशन है तो ये वाला इसमें क्या हो जाएगा केमिकल का एक पार्ट हो जाएगा और यहाँ पर देखिए कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं फिजिकल फोर्सेस लगा रहे हैं तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा इसका फिजिकल पार्ट आ जाएगा फिजिकल वेदरिंग का तो बायोलॉजिकल के अंदर दोनों थोड़ थोड़े थोड़े पार्ट इंक्लूड हैं जिसमें ऑर्गेनिक एक्टिविटीज लिविंग ऑर्गेनिज्म के कारण प्रॉपर्टीज़ को अल्टर किया जा रहा है वहाँ पर पार्टिकल को डिसइंटीग्रेट किया जा रहा है चाहे डिसइंटीग्रेट करो चाहे डिकम्पोज करो तो दोनों किसका पार्ट हो गए बायोलॉजिकल वैदरिंग का नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट मिनरल्स ठीक है मिनरल क्या है सबसे पहले समझें अब मिनरल इज ए नेचुरली अकरिंग होमोजीनियस सब्सटेंस मिनरल क्या है एक नेचुरली अकर करने वाला होमोजीनियस सब्सटेंस है होमोजीनियस का मतलब क्या होता है कि सेम प्रॉपर्टी इन सेम डायरेक्शन होमोजीनियस का मतलब क्या होता है सेम प्रॉपर्टी इन सेम डायरेक्शन कि अगर आप जा रहे हैं इस डायरेक्शन में ठीक है कोई मटेरियल है बड़ा सा मटेरियल ले लिया इस डायरेक्शन में जाने पर आपको मिल रही है आर टाइप की प्रॉपर्टी तो किसी अदर लोकेशन से भी सिमिलर डायरेक्शन में जाओगे तो आपको आर टाइप की ही प्रॉपर्टी मिलेगी यानी कि मान लीजिए कि ऐसा जाने पर रेड कलर हमें मिलता है तो इस डायरेक्शन में जाने पर भी रेड ही मिलेगा ठीक है अब ज़रूर नहीं कि इस डायरेक्शन में सेम मिले अब यहाँ आर किसी जगह मान लीजिए जी प्रॉपर्टी मिल रही है तो ये दोनों तो अलग होगी लेकिन सेम डायरेक्शन में इस पॉइंट से जाएंगे तो यहाँ पर भी कौन सी प्रॉपर्टी मिलेगी जी प्रॉपर्टी तो होमोजीनियस का मतलब क्या हो गया सिमिलर प्रॉपर्टी इन सिमिलर डायरेक्शन इनऑर्गेनिकली फाउंड विद ए दे डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन तो मिनरल एक तो क्या होगी होमोजीनियस हो गए ठीक है और दूसरे कैसे फॉर्म हो रहे हैं इनऑर्गेनिकली ऑर्गेनिकली फॉर्म नहीं हो रहे इनऑर्गेनिकली फॉर्म हो रहे हैं ठीक है और कैसे केमिकल कंपोजिशन लेकिन डेफिनेट है यू नहीं वेरी कर रहा है मिनरल का केमिकल कंपोजिशन क्या हो जाएगा फिक्स हो जाएगा मान लीजिए सी टू एच फाइव ओ थ्री किसी मटेरियल का केमिकल कंपोजिशन है ये हमेशा उसके थ्रू आउट फिक्स रहेगा तो एक डेफिनेट हमारे पास केमिकल कंपोजिशन आ गया उसके बाद साथ ही साथ उसकी प्रॉपर्टी कैसी होगी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होगी उसकी आपने ट्वेल्थ क्लास में पढ़ा होगा क्रिस्टलाइन एंड अमोरफर सॉलिड्स तो हमारे पास मिनरल कैसे होते हैं क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के होते हैं और उसकी एक फ़िजिकल डेफिनेट प्रॉपर्टी होती है सर्टेन प्रॉपर्टी इसलिए इतनी सारी कंडीशन के साथ में सारी प्रॉपर्टीज़ को अगर हम मिला दें तो एक सर्टेन टाइप का मिनरल ही आता है ठीक है जब इन सारी प्रॉपर्टीज़ को मिला दिया जाता है तब हमें एक सर्टेन टाइप का मिनरल ही मिलता है इसलिए मिनरल को डिस्टिंग्विश करना काफ़ी इजी हो जाता है वहाँ पर उसकी क्रिस्टल फॉर्मेशन से स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एक तरह का माइक्रोस्कोप होता है एस स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप तो उसकी हेल्प से भी हमें कि मिनरोलॉजिकल कंपोजिशन कैसी है जैसे फॉर एग्जांपल कैल्साइट में भी कैल्साइट हमारा क्या होता है दो उसमें पार्ट मिलते हैं कि एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में भी मिलता है ठीक है कैल्साइट एक तो क्रिस्टलाइन में भी मिल जाएगा दूसरा अमोरफस के अंदर भी मिलता है अमोरफस ठीक है, क्रिस्टलन और अमोरफस दोनों में मिल गया तो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से उसकी स्टडी की तो एक मैंने बताया ना एक डेफिनेट कंपोजिशन के साथ में एक ही मटेरियल मिलेगा हमें एक ही मिनरल मिलेगा तो इसलिए इनकी स्टडी करना आसान हो जाता है अब मिनरल की अगर बात करूं तो कैसे कैसे हैं मिनरल इज ए नेचुरली अक्रिंग सॉलिड ठीक है और दूसरा कैसे फॉर्म है इनऑर्गेनिकली उसके बाद डेफिनेट ठीक है इसका कंपोजिशन कैसा होता है डेफिनेट होता है अब जरूरी नहीं कि नेसेसरी नहीं है कि डेफिनेट हो पर मोस्टली कैसा उसका कंपोजिशन होता है डेफिनेट एक केमिकल हमें फिक्स उधर मिल ही जाता है ठीक है और मिनरल की कैसी होती है एक डेफिनेट अटोमिक स्ट्रक्चर भी होती है और कैसा सब्सटेंस है होमोजीनियस होमोजीनियस का मतलब सिमिलर डायरेक्शन में सिमिलर प्रॉपर्टीज वाला सब्सटेंस नेक्स्ट वी आर मूविंग टू अकॉर्डिंग टू मिनरल डेफिनेशन every mineral has its own chemical composition and atomic structure and it is very unique for every mineral मैंने आपको बताया ना हर एक mineral की अपनी एक special composition होती है चाहे atomic structure में लो चाहे chemical composition में लो आप इन सबको जब properties को हम मिला देते हैं तो एक separate type का ही mineral आता है जो कि उससे unique होता है इसलिए mineral को classify करना काफ़ी हमारे लिए easy हो जाता है कि हर type का mineral है इसकी ये properties है प्रॉपर्टीज का एवेल्यूशन किया उसको सेपरेट आउट करके क्लासीफाई कर दिया हमने ठीक है अब जैसे यहाँ लिखा भी है कि दिस फैक्ट फैसिलेट द स्टडी ऑफ मिनरल इन डिफरेंट वेज कि यही फैक्ट है जो स्टडी ऑफ मिनरल को डिफरेंट वे में हमें फैसिलेट कर देता है कि हम उसे कैसे कैसे स्टडी कर देते हैं क्योंकि हर मिनरल की अपनी एक यूनिक कंपोजिशन है ठीक है अब कॉमन स्टडी और उनके आइडेंटिफिकेशन के मेथड कौन से होते हैं चाहे फिजिकल प्रॉपर्टी से करो केमिकल प्रॉपर्टी से करो कि ऑक्सीडेशन किसके साथ करता है रिडक्शन किसके साथ करता है कार्बोनेशन किसके साथ करता है हाइड्रोलाइसिस है और ठीक है ये सब प्रॉपर्टीज़ ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज कैसे शो कर रहा है ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब ऐसे आपकी नॉर्मल लाइट थी ठीक है जो अनपोलराइज लाइट बोलते हैं इसको ऑप्टिक्स में आपने पढ़ा भी होगा अनपोलराइज लाइट जो कि हर डायरेक्शन में उसकी प्रपोगेशन हो रहा होता है उसको किसी पर्टिकुलर मिनरल क्रिस्टल से अगर निकालेंगे ठीक है क्रिस्टल्स के ऊपर इंसिडेंट करके जब इसे यहाँ प्रपोगेट करेंगे तो बाहर निकलने के बाद ये कैसी बन जाएगी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही इसका प्रपोगेशन होगा जिसे हम बोल देते हैं प्लेन पोलराइज लाइट कैसी लाइट बोल देते हैं प्लेन पोलराइज लाइट तो प्लेन पोलराइज लाइट है हमारे पास हर मिनरल की अलग होती है कि कितना पोलराइजेशन कर रहा है कितने एंगल पर कर रहा है जैसे यहाँ पर ये यह मान लीजिए कि 90 डिग्री पर इसने रोटेट कर दिया है ठीक है तो इस तरह से किस कौन से डायरेक्शन में रोटेशन वगैरह हो रहा है तो ये प्रॉपर्टी आ जाती है ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज नेक्स्ट है एक्सरे एनालिसिस एक्सरे के साथ साथ एक एनालिसिस कौन सा होता है एस यानी कि स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप तो इनकी हेल्प से उसकी कंपोजिशन क्योंकि अगर आपको एक्चुअल कंपोजिशन बतानी है ना कि तो उसकी स्ट्रक्चर कैसे बनी हुई है जो मिनरल है हमारी उसकी एक्चुअल स्ट्रक्चर कैसे बनी है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ पता लग सकती है हमें एक्सरे एनालिसिस से और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से अगर आपको प्रॉपरली डिस्टिंग्विश करना है कि मिनरल कैसा है उसकी प्रॉपर्टी कैसी है इंटरनल स्ट्रक्चर कैसी है कितना उसमें किस तरह का कंपोजिशन होगा ठीक है तो ये कौन बताएगा एक्सरे डिफ्लेक्शन और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आपके सिलेबस में हमारे पास है यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ठीक है फिजिकल प्रॉपर्टी से पहले एक एग्जांपल आपको बता दूं कि हम उसका क्लासिफिकेशन कैसे कर सकते हैं प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से ठीक है तो पहला प्रॉपर्टी के हिसाब से क्लासिफिकेशन देखिए फॉर एग्जांपल मैंने गलेना मटेरियल ले लिया कि कहाँ से मिला है हमें नहीं पता ठीक है हमने क्या कर दिया एसोसिएटेड कंजिस्टेंटली एग्जिबिट लेड ग्रे कलर एंड मेटेलिक शाइन ओ पैक करेक्टर हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड टेंडेंसी टू ब्रेक अब मैंने कोई भी एक मटेरियल उठाया ठीक है कोई एक मटेरियल उठाया मुझे नहीं पता है क्या जब मैंने उसकी प्रॉपर्टीज को निकालना शुरू किया ठीक है मुझे नहीं पता कि कहाँ से उसकी अकरेंस हुई है क्या साइज़ है क्या शेप है मुझे नहीं पता है. मैंने जब उसको देखा तो कैसा कलर दिख रहा था उसका लेड लेड का ग्रे कलर दिख रहा था ठीक है उसके बाद उसके अंदर मेटेलिक शाइन आ रही थी ओ था ठीक है ओपैक का मतलब जिसके आर पार आप हल्का फुल्का देख सकते हैं उसे ओपैक बोलते हैं उसके बाद हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी यानी कि डेंसिटी यानी कि पानी के मुकाबले कितना भारी है ये सात गुना भारी है ठीक है अगर उतने ही वॉल्यूम का वाटर ले लोगे तो उसके मुकाबले ये सात गुना भारी हो जाएगा लगभग सात से साढ़े सात गुना भारी और उसकी प्रॉपर्टी को ऐसी होती है टेंडेंसी टू ब्रेक यानी कि एक ऐसा एक ब्रिटल मटेरियल हो जाएगा तो इन सब प्रॉपर्टीज़ को अगर मैं एक साथ कंबाइन करके देखूंगा तो मुझे पता लगेगा कि अरे ये तो गलेना की प्रॉपर्टीज़ है यानी कि जो मैंने मटेरियल वहाँ से एक्सकेवेट किया है वो कैसा मटेरियल है गलेना इसी तरह से जब हम कोई माइन वगैरह की स्टडी होती है माइंस वगैरह हैं जहाँ पर ऐसे पता थोड़ी लिखा थोड़ी होता है उधर कि दिस इज़ माइन ऑफ गलेना यहाँ पर खोदोगे तो आपको गलेना मिल जाएगा वहाँ पर गए मटेरियल उठाया ये ये प्रॉपर्टीज़ मिल गई उसके साथ में हमने देखा कि इजी अलोंग थ्री डायरेक्शन में उसमें स्क्रैच हो सकता है कट कर सकते हैं उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज़ किसी अदर मटेरियल में एग्जिबिट नहीं हो रही हैं सिर्फ किसके अंदर एग्जिबिट हो रही है गलेना में तो हमें पता लग जाएगा ये माइन किसकी है गेले की मटेरियल कैसा मिल रहा है तो गेलेना मिनरल हमें वहाँ पर मिल सकता है तो इस तरह से हम फिज़िकल प्रॉपर्टी के हिसाब से उन मटेरियल का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं और इजीली उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं अब फिजिकल प्रॉपर्टीज हमारे पास कौन कौन सी है फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपके सिलेबस के हिसाब से कलर फॉर्म लस्टर हार्डनेस डेंसिटी क्लीवेज एटसेट्रा कलर का मतलब कि वो कैसा कलर शो कर रहा है ठीक है रेड ग्रीन ब्लू वगैरह उसके हिसाब से आप देख लो एक चार्ट टाइप बना लो ये क्लासिफिकेशन चार्ट बनाओ कि कलर के हिसाब से ये मटेरियल का कलर इस इस मिनरल का कलर ये होता है उसके बाद उसकी फॉर्म कैसी है लस्टर यानी कि चमक कैसी है कि वो चमकता है कि नहीं चमकता तो उसके हिसाब से देख लो हार्डनेस यानी कि रेजिस्टेंस टू स्क्रैचिंग किसी चीज़ को हम स्क्रैच कर रहे हैं तो उसके अगेंस्ट जो रेजिस्टेंस होता है उसे बोलते हैं हार्डनेस जैसे फॉर एग्जांपल आपका बोलते हैं ना कि मेरा मोबाइल का जो ग्लास है इतनी हार्डनेस का है कोर्निंग गोरिला ग्लास है तो हार्डनेस क्या हो गया उसके ऊपर स्क्रैच को रेजिस्ट करने की प्रॉपर्टी और हार्डनेस को हम मेजर करते हैं जो जियोलॉजी में हम कौन से स्केल से मेजर करते हैं मोह स्केल ठीक है कौन से स्केल से मेजर करते हैं मोह स्केल तो इस तरह से हार्डनेस को मेज़र कर दिया इसमें फिंगर नेल से स्क्रैच करने की चाकू से या फिर अदर कोई मटेरियल से स्क्रैच करने की तो इस तरह से अलग अलग हार्डनेस का एक स्केल होता है उसके हिसाब से हम उसकी हार्डनेस बता देते हैं डेंसिटी होगी डेंसिटी स्पेसिफिक ग्रेविटी का क्या यह मतलब है यहाँ पर स्पेसिफ़िक ग्रेविटी बताऊँ तो ये मेज़र की जाती है रूम टेम्परेचर यानी कि ट्वेंटी सेवन डिग्री सेल्सियस के ऊपर किसी और अदर टेम्परेचर पर नहीं करते ट्वेंटी सेवन डिग्री सेल्सियस के ऊपर हम स्पेसिफ़िक ग्रेविटी को कर रहे हैं मेज़र उसके साथ ही स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब क्या होता है कोई मटेरियल ले लिया मान लीजिए उसका वॉल्यूम है वन मीटर क्यूब ठीक है वन मीटर क्यूब में उसका वेट आ रहा है फाइव थाउजेंड के जी कितना वेट आ रहा है फाइव थाउजेंड के जी लेकिन वन मीटर क्यूब में जब मैंने पानी भरा तब उसका वेट कितना आ रहा है थाउजेंड के जी ठीक है वन मीटर क्यूब में पानी भरने पर कितना वेट आ गया थाउजेंड के तो यानी कि पानी से पाँच गुना भरा हो गया और कौन से टेम्परेचर पर मेज़र किया ट्वेंटी सेवन डिग्री सेल्सियस पर इतने पर जो सेम वॉल्यूम के सेम वॉल्यूम के लिए दो कंपाउंड का रेशियो जिसमें नीचे वाला कंपाउंड कौन सा हो जाएगा हमारा वाटर हो जाएगा या कोई अदर स्टैंडर्ड फ्लूड हो गया उसके साथ का रेशियो ही क्या कहलाता है हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी और यहाँ पर स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू फॉर इस एग्जाम्पल से कितनी आ गई फाइव तो इस तरह का जो हमारा कंपोजिशन होता है जो एक फॉर्मूला बन के उसे क्या बोल देंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी फिर नेक्स्ट है क्लीवेज क्लीवेज यानी कि कोई मटेरियल है ठीक है किस तरह से जॉइंटेड है उसके अंदर क्या फ्रैक्चर है उसे बोल देंगे उसके यानी कि जॉइंट होगा या फ्रैक्चर होगा उसे इसका क्या बोल देंगे क्लीवेज तो इस तरह की स्टडी के हिसाब से मतलब उसके अंदर दो पार्टिकल की लेयर है उनके अंदर कितना स्पेस आ सकता है या फिर कौन सा मटेरियल उसके अंदर फिल मटेरियल भरा हो जैसे आपके पास आप ले लो कोटा सैंडस्टोन तो कोटा सैंडस्टोन कैसे एक सेडिमेंटरी रॉक है उसमें क्या होते हैं अलग अलग मिनरल्स भरे होते हैं कोटा सेंड इस तरह से सेडिमेंट्री यानी कि लेयर्स के अंदर बनी हुई है लेयर में कई बार क्या होता है एक सेपरेट लेयर होती है वीक लेयर जो किसी अदर कंपाउंड की एक लेयर की या फिर वहाँ पर क्या हो जाएगा कैल्सिनेशन के कारण कोई अदर कंपाउंड बना हुआ है या आयरन और कैल्सिनेशन के कारण मिक्स एक कंपाउंड मिल जाती है उसकी लेयर मिल जाती है तो ये वीक लेयर हो जाती है तो ये क्लीवेज वगैरह कह देते हैं तो इनके कारण हमारे पास कि इस टाइप की रोक है कि ये सैंडस्टोन है कोटा सैंडस्टोन इसमें ये ये प्रॉपर्टीज मिल जाती हैं तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज हम उसको ईजिली क्लासीफाई कर लेते हैं ठीक है अब ये प्रॉपर्टीज आई कहाँ से है तो दीज प्रॉपर्टी आर डिपेंडेड ऑन केमिकल कंपोजिशन एटॉमिक स्ट्रक्चर दैट इज इफ एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल कंपोजिशन रिमेन सेम द रिजल्टिंग प्रॉपर्टीज शुड बी सिमिलर ठीक है कि अगर केमिकल कंपोजिशन और एटॉमिक स्ट्रक्चर सेम है तो उनकी रिजल्टिंग प्रॉपर्टी भी सेम होगी कि बार बार आपको बता चुका हूँ जैसे स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या फिर हमारा एक्सरा डिफ्रेक्शन टेक्निक है उसके कारण हमारे पास एक इमेज बन के आती है मटेरियल की इमेज बन के आती है जो एटॉमिक स्ट्रक्चर मान लीजिए कि इस तरह से एक स्ट्रक्चर बनी हुई है एक क्यूबिकल शेप में वो जुड़ता है मटेरियल अंदर से तो उसका पार्ट हो जाएगा कि सारी स्ट्रक्चर ऐसी है और क्यूबिकल शेप में जुड़ने वाले जो मटेरियल होंगे और उसी लेंथ के हैं उसी साइज के हैं तो वो मटेरियल भी कैसा होगा सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को एग्जिबिट करेगा यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको वही कैल्साइट का बता दिया कैल्साइट के दो पार्ट हैं एक अमोरफस होता है एक क्रिस्टलाइन पार्ट होता है हमें कौन सा वाला चाहिए क्रिस्टलाइन वाला चाहिए क्योंकि क्रिस्टलाइन के अंदर स्ट्रेंथ ज़्यादा आती है अमोरफस स्ट्रेंथ नहीं देता वाटर को एब्जॉर्ब करके वो वीक प्रॉपर्टी शो करता है तो इस तरह से ये फिजिकल प्रॉपर्टीज थी जिसके कारण हम इन्हें क्लासीफाई कर सकते हैं सो होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा तो आज के लिए इतना ही थैंक यू